राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष, मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा, हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने ये कहा अग्नि, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि अग्नि सर एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ तो मैं बोलने दूंगा आपको, इंडिकेट किया सर। एक मिनट, अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ, ये कहा सर। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। yes, yes. सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। नो सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आपने एक और चक्र भी बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट, माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, और ये मैं आपसे हंस रहे आप, ये तरीका आपका, आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। नो आपने, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पुराना पूरा पढ़ ले पहले, मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता, यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था की। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। सर नॉट बिचारे मीडिया वाले हैं सर। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। सर नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप प्लीज। सदन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आप नियम प्रक्रिया का पूरा अध्ययन कर लें, सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चेंबर में आके मिले, कोई परेशानी हो, किसी को अलाउ नहीं किया हो, कोई बात हो तो हमें बताएं, ठीक है ना? लेकिन सदन की आप अब बैठ जाइए, सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाएं,
ये आपसे अपेक्षा मेरी, प्लीज नो हो गया। ठीक, विष्णुदत्त शर्मा आप बैठ जाइए। विष्णुदत्त शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार करता हूं कि आपने मुझे बजट 2024 के इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। आज पूरा देश गौरवान्वित है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में लगातार तो राहुल गांधी को आपने सुना, सदन के अंदर उन्होंने अग्निवीर को लेकर जो बयान दिया उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हालांकि जमकर यहां पर बयानबाजी और जिस तरह राहुल ने बोला उसको लेकर आपत्ति भी बीजेपी के नेता और वहां पर मौजूद लोग जताते नजर आए।